तो गाइस, हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है और अब तक हमने डायमंड आर्मर को एन्चेंट नहीं करा है, तो ये मेरे जैसे माइनक्राफ्ट प्रो प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। क्या बोला तूने? तो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक बनाने वाला हूँ एन्चेंटमेंट रूम, और मैं थोड़ी बहुत ऑफलाइन माइनिंग पर गया था तो मेरे को वहाँ से 3 डायमंड मिले हैं। तो ये मैं अपनी पिकेक्स के लिए लाया हूँ क्योंकि मेरी पिकेक्स की हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और आप कोऑर्डिनेट्स भी देख लो, अगर आप मेरे सीड में खेलते हो तो आपको हेल्प होएगी। तो हमें जितना भी सामान चाहिए ना एन्चेंटमेंट रूम बनाने के लिए, इतना सामान तो नहीं चाहिए, बस बुकशेल्फ चाहिए और एन्चेंटमेंट टेबल चाहिए। तो बुकशेल्फ के लिए मैंने सारा का सारा शुगर केन और लेदर तो इकट्ठा करके रखा हुआ है पहले से, तो ये मैंने ऑफलाइन कुछ नहीं करा है। मैं जब भी गेम खेलता हूँ या कुछ करता हूँ ना गेम में, तो तभी मैं इस फार्म से कलेक्ट कर लेता था, और कोई काऊ दिखती थी तो उसे मार लेता था, इसी वजह से ये मेरे पास इतना कलेक्ट हो चुका है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये जो हमने पिछले एपिसोड में वूल फार्म बनाया था आपको याद होगा, तो ये अभी मैं अभी ऑनलाइन आया हूँ फार्म बनाने के बाद, इसीलिए इसमें अभी खाली 7 वूल है, और इसमें ये जो डर्ट है ना एक्सपेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है अभी, पर इतना हमें जल्दी नहीं है नेदरराइट की, इसीलिए अभी ये धीरे धीरे होता रहेगा। तो अब ना मेरे को सबसे पहले चलता हूँ क्राफ्टिंग टेबल पे, और हम अपने जल्दी से बुकशेल्फ्स बना लेते हैं क्योंकि हमें एन्चेंटमेंट रूम भी तो बनाना है। तो सबसे पहले मेरे को वुड बनानी पड़ेगी, थोड़ी वुड नहीं मतलब प्लैंक्स, और अभी मेरे सिर्फ 4 जो है बुकशेल्फ बने हैं क्योंकि मेरे पास वुड की कमी पड़ चुकी है, तो वुड काटने चलते हैं सबसे पहले। तो गाइस, मैं वुड काटने तो आ चुका हूँ, अभी मैं ये जो मैंने पेड़ उगा रखा है ना स्प्रूस का, तो मैं अभी यही तोड़ने वाला हूँ क्योंकि पास में अभी यही है, और भी हम तोड़ने चलते हैं आगे को। तो सबसे पहले वहाँ का वो जो पेड़ दिख रहा है वो भी तोड़ लेता हूँ मैं। यहाँ पे ना आसपास मेरे बहुत कम पेड़ है यार, मेरे को एक जंगल खुद ही बनाना पड़ेगा ताकि हमें वुड की कमी ना हो, और हो सके तो मैं ना वुड का ऑटोमेटिक फार्म बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो जल्दी से सबसे पहले मैं वुड काट लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज, मैं वुड काट के तो ला चुका हूँ, अब जल्दी से हम अपने बाकी के बुकशेल्फ क्राफ्ट कर लेते हैं। और ये जो ग्लास है ये मैंने चेंज कर दिया क्योंकि वो वाला ग्लास ना बहुत ज़्यादा लैग करता था गेम को, और अभी भी हमारे यार 14 ही हुए हैं, थोड़ी सी वुड कम पड़ गई तो अब मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, कोई बात नहीं यार, हमारी बदकिस्मत है। तो यहाँ से जितनी भी सैपलिंग गिरी है ना पहले ये उगा देते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए यार। मेरे को कहीं दूर से पेड़ काट के लाना पड़ेगा क्योंकि आसपास कोई भी पेड़ नहीं है, मैंने सारे काट दिए। और जल्दी से चलते हैं, अब पेड़ ढूंढते हैं। हाँ, वहाँ पे एक पेड़ तो दिख रहा है मुझे विलेज के पास, वही तोड़ लेंगे। सबसे पहले ना ये जो मैंने काटा है इसके पास चल के इसको भी, इसकी भी सैपलिंग जो है उठा के मैं ग्रो कर देता हूँ, क्योंकि आसपास जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी पेड़ नहीं है, तो इसी मेरे को इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अभी कोई सैपलिंग नहीं आई है, कोई नहीं, सबसे पहले वुड काट लेते हैं वहाँ पे चल के। तो गाइस, फाइनली मैं सारे के सारे जो वुड है वो कट करके ला चुका हूँ, अब होपफुली हमारे बुकशेल्फ कंप्लीट हो जाएंगे। तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को घोड़े का नाम सजेस्ट करने के लिए कहा था, तो मुझे बहुत सारे नाम आए, तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ, देखते हैं अब इस घोड़े का नाम क्या रखेंगे। तो देख लेंगे, अभी मैं चूज़ करूँगा उनमें से, या फिर आपको ही कोई पोल डाल दूँगा कम्युनिटी पोस्ट में। तो अभी सबसे पहले मैं मेरे को जितने बुकशेल्फ चाहिए थे वो बना लेता हूँ। तो 2 बन रहे हैं, 2 ही बना लेते हैं क्योंकि फिर 16 का ना मतलब थोड़ा सही से बन जाएगा। तो बुकशेल्फ तो बन चुके हैं, अब हमें चाहिए एक एन्चेंटमेंट टेबल, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है, और मैंने बहुत पहले से 2 डायमंड बचा के रखे हैं ताकि मैं एन्चेंटमेंट टेबल बना सकूं। और जैसा कि आप देख सकते हो मेरी शवल और पिकेक्स की हेल्थ कितनी लो हो चुकी है। तो अब मेरे को ना एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए ऑब्सीडियन की ज़रूरत है, तो ऑब्सीडियन माइन करने में केव में नहीं जाने वाला क्योंकि केव में यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो जो केव है बहुत दूर है, उसमें लावा भी बहुत ज़्यादा डीप जाके है। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी इन्वेंट्री को ना खाली कर देता हूँ, और मैं जाने वाला हूँ नेदर में लावा लेने, तो चलते हैं जल्दी से। तो गाइस, मैंने सब कुछ तो कर लिया है, अब मेरे पास ये जो 3 डायमंड है ना, मैं इसकी सोच रहा हूँ कि एक डायमंड की पिकेक्स बना ही लेते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए ये डायमंड लाया था माइन करके। तो ऑब्सीडियन माइन करने के लिए हमें डायमंड की पिकेक्स तो चाहिएगी, और मैं एक गोल्ड का हेलमेट भी ले लेता हूँ ताकि पिगलिन हम पे अटैक ना करे। तो ऑलरेडी गाइस, अब हम जा सकते हैं अपने नेदर में, और रात भी हो चुकी है, देखते ही देखते अब दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि क्रीपर हमारे घर के अंदर ना आ सके। तो जल्दी से चलते हैं, मैंने वहाँ पे एक होल भी डिग कर दिया ताकि उसमें मैं लावा डाल सकूँ और जल्दी से उसमें ऑब्सीडियम बना सकूँ।
तो मैं नेदर में तो आ चुका हूँ गाइस। हम फाइनली बहुत ज़्यादा दिनों बाद नेदर में आए हैं, जल्दी फोर्ट्रेस को भी रेड करेंगे। तो बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद मैं लावा तक तो पहुँच चुका हूँ, अब जल्दी से मैं लावा इकट्ठा करता हूँ। तो भाई सारा का सारा मैंने लावा तो इकट्ठा कर लिया है, अब मेरे को इसको जल्दी से ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करना है और बस माइन करना बाकी है। तो अब मुझे पानी चाहिए, पानी 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 का है। तो अपने शुगर केन फार्म में से ले लेता हूँ मैं पानी, यहाँ से एक बकेट उठा लेते हैं जल्दी से। कोई नहीं, शुगर केन ब्रेक होएगा, कोई बात नहीं, उसको बाद में हम लगा देंगे। और वैसे भी अभी हमें शुगर केन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो अभी मैं जल्दी से इसको ऑब्सीडियन बना देता हूँ। तो गाइस ये हमारा ऑब्सीडियन तो बन चुका है, और अब मैं इसको जल्दी से माइन करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने 5 ऑब्सीडियन जो है कलेक्ट कर लिया है, अब मेरे को इसकी बनानी है एन्चेंटमेंट टेबल। तो जल्दी से अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास चलते हैं, उससे पहले इसको हम पूरा का पूरा जो होल हमने करा था इसको मैं पूरा पूरा फिल कर देता हूँ, ताकि हमारी जो खूबसूरती है वर्ल्ड की वो ख़राब ना हो। अब जल्दी से मैं बना लेता हूँ एक एन्चेंटमेंट टेबल। तो गाइस फाइनली हमारे इतने एपिसोड हो जाने के बाद हमारे हाथ में आ चुकी है एन्चेंटमेंट टेबल। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए इससे ज़्यादा खुश नहीं होना। तो अब जल्दी से चलते हैं हम अपना डोर क्लोज करके। तो मैंने सोचा है कि मैं जो अपना एन्चेंटमेंट रूम है ना, यहाँ पे ऊपर जाके बनाऊँगा, क्योंकि थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा ना गाइस, हमारे घर के ऊपर थोड़ा यहाँ पे एरिया प्लेन करके हम एन्चेंटमेंट रूम बनाएंगे। तो जल्दी से अपनी शवल को उठा के यहाँ पे एरिया प्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस सारा का सारा एरिया तो मैंने प्लेन कर दिया है, और अब मैं यहाँ से अपना एन्चेंटमेंट रूम बना सकता हूँ। तो सही लग रहा है यहाँ से एरिया देखने में, और अब मैं इसको ऐसी रैंडम रहने देने वाला हूँ, कोई ज़्यादा मैं ब्लॉक चेंज नहीं करने वाला। तो अभी जल्दी से अपना जो एन्चेंटमेंट रूम है उसे बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज एन्चेंटमेंट रूम तो बनके तैयार हो चुका है, और मैं पिकेक्स पे देखता हूँ क्या मिल रहा है। तो अनब्रेकिंग 3 मिल रही है, तो अभी ले लेंगे बाद में। तो हमारा जो अभी एन्चेंटमेंट रूम है, मैं इसे थोड़ा बहुत डिज़ाइन करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं करने वाला। तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइज़ मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन तो कर दिया है, डिज़ाइन भी किया मैंने थोड़ा बहुत, बस लाइटिंग का यहाँ पे सोर्स लगाया है ताकि अंधेरा अंधेरा सा ना लगे। तो अब देख लेते हैं अपने आर्मर पे हमें क्या क्या एन्चेंटमेंट मिल रही है, फिर हम चलेंगे एक्सपी लेने, क्योंकि अभी मेरे पास खाली 12 XP है। तो गाइज़ हेलमेट में तो बहुत अच्छी एन्चेंटमेंट मिल रही है, प्रोटेक्शन 4 ही सब में लग जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और एन्चेंटमेंट सबसे अच्छी वही होती है। और बाकी सब पे तो फायर प्रोटेक्शन मिल रही है। तो अब जल्दी से मैं यहाँ से थोड़ा बहुत फूड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी फूड नहीं है। तो अभी ये कुक्ड नहीं है, तो इसे कुक करके जल्दी से मैं चलता हूँ, अब XP लेके आता हूँ। तो गाइज़ अभी मैं आया हूँ आयरन फार्म पे थोड़ा सा आयरन लेने, और जैसा कि आप देख सकते हो आयरन फार्म जो है वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जब तक फूड कुक हो रहा है ना, मैं एक एनविल बना लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने एनविल भी बना लिया है, अब इस एनविल को ले जाके हम ऊपर ही अपने एन्चेंटमेंट रूम में रख देते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले गेट बंद कर देते हैं। तो अब मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, अब इसको मैं एनविल को रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो अब ये एनविल मैंने यहाँ रख दिया है, और यहाँ पे मैं बाद में ग्राइंडस्टोन और एक चेस्ट भी रख दूँगा। तो गाइस मैं अपने स्केलेटन फार्म में तो आ चुका हूँ, और हम XP यहीं से कलेक्ट करने वाले हैं, और एक XP तो मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं आऊँ। तो अभी यहाँ से सबसे पहले मैं एरो ले लेता हूँ, मैं हर बार एरो ले जाना भूल जाता हूँ। और ये जो ब्लॉक है ना, ये जो मेरा पुराना ग्लास का टेक्सचर पैक था उसको चेंज करने की वजह से हुआ है। तो अब जल्दी से मैं स्केलेटन मार लेता हूँ, और मैं XP कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे जल्दी से मिलता हूँ। तो गाइज़ मैं इतनी देर से XP कलेक्ट कर रहा था, तो मेरी 37 तो हो ही चुकी है, और मैं एक बार मैं AFK जा रहा था बार बार, तब जाके इनको मार रहा था। तो गाइज़ ये तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो अब मैं जल्दी से इन्हें 2 बचे इनको मार देता हूँ। तो मेरे पास इनफ XP तो कलेक्ट हो चुकी है, अब जल्दी से हम चलते हैं यहाँ से वापस।
तो सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि कोई भी हमारे एक्सपीरियम में घुस ना जाए। तो गाइस मैं वापस तो आ चुका हूँ यहाँ पे, और अब जल्दी से अपने आर्मर को एन्चेंट करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आर्मर उतार लेता हूँ। तो मैं लैपिस लाजुली भी ले आया, वो अपनी चेस्ट में रखा था मेरी। तो सबसे पहले इस पर ले लेते हैं हम प्रोटेक्शन 4, क्योंकि इस पर सबसे अच्छी एन्चेंटमेंट मिल रही है अभी। तो मैंने ये तो ले लिया, अब जल्दी से इसमें, ओ गाइस मेरे को इन ब्रेकिंग 3 भी मिल चुकी है, तो जल्दी से इसे पहन लेते हैं हम। तो फाइनली हमारा एक आर्मर जो है वो एन्चेंट हो चुका है, अब बाकियों को भी जल्दी से करते हैं। तो चेस्ट प्लेट में देखते हैं हम क्या मिल रहा है हमें। तो अनब्रेकिंग 3 मिल रही है, और पैंट्स में भी अनब्रेकिंग 3, और अरे यार शूज़ फेंक दिए मैंने गलती से। तो शूज़ में क्या मिल रहा है, शूज़ में प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 मिल रही है। तो क्या करें गाइस। तो ना अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, सबसे पहले आर्मर में तो कुछ नहीं मिल रहा, पिकैक्स में चेक कर लेते हैं। तो पिकैक्स में अनब्रेकिंग 3 मिल रही है, एक बार लेके देख लेते हैं, क्या पता साथ में कुछ मिल जाए। ओ गाइस फाइनली हमें अच्छी एन्चेंटमेंट मिल चुकी है पिकैक्स में, तो इसमें भी हमें एफिशिएंसी 4 मिल चुकी है। तो अब बाकियों को भी एन्चेंट करते हैं। अब देखते हैं कि अब स्वॉर्ड में क्या मिल रहा है। तो गाइस स्वॉर्ड में स्माइट 5 मिल रहा है, मैं एक बार ले लेता हूँ। तो गाइस खाली स्माइट 5 मिली है, अब मेरे को एक ग्राइंडस्टोन भी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एन्चेंटमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है। उससे पहले आर्मर में चेक कर लेते हैं अब दोबारा से क्या मिल रहा है। तो गाइस फाइनली इसमें हमें प्रोटेक्शन 4 तो मिल रही है, पर हमारी जो एक्सपी लेवल है वो दोबारा से कम हो चुके हैं। तो अब मेरे को जल्दी से जाके दोबारा से एक्सपी लानी पड़ेगी। तो उससे पहले मैं एक ग्राइंडस्टोन क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी स्वॉर्ड को जो है वो डिसएन्चेंट कर सकूँ। तो ग्राइंडस्टोन की रेसिपी बहुत आसान है, तो जल्दी से मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो मुझे थोड़ी बहुत वुड तो चाहिएगी, पर रुको एक सेकेंड। हाँ मेरे को एक तो स्लैब चाहिए, स्लैब पर स्टोन की चाहिए थी ना। हाँ गाइस स्टोन की स्लैब चाहिए थी, मैं ये वाली स्लैब ढूंढ रहा था। तो सबसे पहले यहाँ से मैं स्टिक ले लेता हूँ और वुड ले लेता हूँ, और स्टोन की स्लैब होगी इसमें शायद। तो स्लैब तो नहीं है, स्टोन है मेरे पास, पर स्टोन का है, स्टोन ये रहा। तो स्टोन ले लेते हैं और यहाँ से स्लैब बना लेते हैं, और जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं ग्राइंड स्टोन। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे स्लैब बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जो क्राफ्ट वाला है ना, ये ऑन करते हैं, और यहाँ से मैंने स्लैब बना ली है, और अब हमारा आराम से ग्राइंडस्टोन जो है वो बन चुका है। तो अब जल्दी से इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो इसको भी मैं यहीं लगाने वाला हूँ। तो अब जल्दी से हम अपनी स्वॉर्ड को डिसइंचेंट कर लेते हैं। तो मैंने डिसइंचेंट तो कर लिया, अब देखते हैं इस पर क्या मिल रहा है। तो गाइस फाइनली इस पर मेरे को शार्पनेस 4 चाहिए थी, और वो मेरे को मिल चुकी है, और उसके साथ साथ नॉकबैक 2 भी मिल चुकी है। तो हमारी स्वॉर्ड भी पावरफुल बन चुकी है। तो अब जल्दी से चलते हैं, और मैं थोड़ी बहुत ना बुक ले आया हूँ। तो अब मैं थोड़ी बहुत बुक एन्चेंट करने वाला हूँ, क्या पता इसमें हमें कुछ अच्छा मिल जाए। तो अनब्रेकिंग 3 मिली है, अच्छी बात है। और अब मैं चेक करता हूँ पैंट्स में क्या मिल रहा है। तो पैंट्स में प्रोटेक्शन 4 मिल रही है, तो लगा लेते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या मिला। ओ गाइस ये तो और अच्छी हमें एन्चेंटमेंट मिल चुकी है, और अब ओ भाई फेदर फॉलिंग 4 भी मिल रही है, पर अब दोबारा से हमारा एक्सपी लेवल कम हो चुका है। तो गाइस मैंने सब कुछ एन्चेंट कर लिया है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या एन्चेंटमेंट लगाई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास एन्चेंटमेंट है। तो मैंने वो बोरिंग पार्ट स्किप कर दिया था, क्योंकि उसमें मेरे को बार बार एक्सपी लेने जाना पड़ रहा था। तो आप देख लो कि मेरे पास आर्मर में ये एन्चेंटमेंट है, और अब मैं आपको एक बार टूल्स में भी दिखा देता हूँ। तो ना गाइस मैं आप थोड़ी बहुत ना बुक एन्चेंट करने वाला हूँ। तो बुक में मेरे को फेदर फॉलिंग 4 तो है, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, तो जो सबसे फर्स्ट वाली है वही लगा देते हैं। और 30 एक्सपी वाली है तो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक्सपी लेवल दोबारा बहुत कम हो चुका है। तो 1 वाली लगा देते हैं, तो जल्दी मैं ऐसी लगा देता हूँ। तो गाइस मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश कर ली। तो अब मैंने यहाँ पे जो चेस्ट रखी है, इसी में ये सारी बुक डाल देते हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी। और ये जो एक नेम टैग है, ये हमारे हॉर्स के लिए है। तो अब मैं यहाँ से अपना लैपिस उठा लेता हूँ, और लैपिस भी हम यहीं रख देते हैं ताकि कभी भी एन्चेंट करना हो तो हम यहीं से सब कुछ कर ले। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।